कि विधानसभा में विपक्ष के नेता ने इनकम घोटाला किया है और उसके साक्ष्य और दस्तावेज कार्यालय को समर्पित किया, तो विपक्ष के नेता अपने कृत्य से भ्रष्ट आचरण के पर्याय बन गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़4 नेशन, मैं आपके साथ तबजीत सिंह। जनता दल यूनाइटेड ने कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया था कि वो इनकम घोटाला किए हैं, सैलरी को अपना छुपाए हैं। इसी को लेकर आज बिहार निर्वाचन आयोग है, जो जदयू के एक प्रतिनिधि मंडल है, वो निर्वाचन आयोग पहुंच जाते हैं और जो शिकायत है वो निर्वाचन आयोग को सौंपे हैं और साफ तौर पर कहते हुए जा रहे हैं कि जो विपक्ष के नेता हैं विधानसभा के, वो इनकम घोटाला किए हैं, इसलिए हम चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की मांग को लेकर वो पहुंचे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, पहले सुनिए उनकी बातों को। निर्वाचन आयुक्त पटना से हमारी पार्टी के प्रवक्तागण एवं माननीय अनिल हेगड़े जी हम लोग मिले और मिल करके यह बताया कि विधानसभा में विपक्ष के नेता ने इनकम घोटाला किया है और उसके साक्ष्य और दस्तावेज कार्यालय को समर्पित किया और ज्ञापन के माध्यम से यह बताया कि एस रुक्मिणी मेडेगोड़ा भर्सेज स्टेट इलेक्शन कमीशन 2022 12 SC 21 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ ने पारित न्याय देश में स्थापित किया है कि चुनावी हलफनामे में वास्तविक तथ्यों का खुलासा न करना अनुचित प्रभाव और भ्रष्ट आचरण के परिणाम के बराबर होगा। तो विपक्ष के नेता अपने कृत्य से भ्रष्ट आचरण के पर्याय बन गए हैं, इसलिए चुनाव आयोग इसको संज्ञान में ले और ऐसे लोग जो इनकम घोटाला किए हैं, सैलरी घोटाला किए हैं, जो चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था, इसको संज्ञान लेकर के तत्क्षण इस संबंध में कार्रवाई करे। तो आपने सुना जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं, जो किस तरह से कहते हुए जा रहे हैं कि आज बिहार निर्वाचन आयोग पहुंचे हैं, जिस तरह से विपक्ष के नेता हैं वो इनकम घोटाला किए हैं, ऐसे में जो जदयू के एक प्रतिनिधि मंडल है प्रवक्ता का, वो आज बिहार निर्वाचन आयोग पहुंचते हैं और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खिलाफ वो शिकायत देते हैं, जिस तरह से कल आरोप लगाए थे कि वो इनकम घोटाला किए हैं, सैलरी को अपना छुपाए हैं, ऐसे में हम कार्रवाई करने की जो मांग है वो बिहार निर्वाचन आयोग से करते हैं। इसी तमाम खबरों में न्यूज़4 के साथ नमस्कार।